हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल एप्स फाइंडिंग्स में। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा वेब सीरीज के बारे में बताता हूँ जो सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं इमोशन बन चुकी है, और उस इमोशन का नाम है वाइकिंग्स। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी हिस्टोरिक ड्रामा टीवी सीरीज के चाहने वालों को ये सीरीज बेहद पसंद आने वाली है। एक्शन, ड्रामा, इमोशन, म्यूजिक, लोकेशन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हर एक काम फुर्सत में किया गया है दोस्तों। 2013 में हिस्ट्री टीवी पर पहली बार लॉन्च किया गया वाइकिंग्स नेटफ्लिक्स पर टोटल 6 सीजन और 79 एपिसोड्स के साथ में अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं वाइकिंग्स कौन है और कहां से बिलोंग करते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के बीचों बीच एक जगह है कैटेगट, अपने वाले वाइकिंग्स उसी जगह के हैं। वाइकिंग्स का मतलब है लुटेरा। वेब सीरीज में दिखाया गया है 8वीं सदी में ये सिर्फ गांव में खेती करते हैं और साधारण से लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। गांव, मवेशी और फसल, यही इनके साथी हैं। बाद में इनके समुद्री डाकू बनने की कहानी आप देख पाओगे। वाइकिंग्स बहुत खतरनाक, बहादुर और क्रूर योद्धा भी है, जिनके बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स में से सबसे खूबसूरत है ढाल की दीवार। अमीर और राजा बनने के लालच में लड़ाई जीतने के बाद वो सोना चांदी के साथ इंसानों को भी लाया करते हैं, जो कि वो गुलाम के तौर पर अमीरों को बेच देते हैं। इनके शिप्स के साइज भी बहुत बड़े होते हैं, जिससे वो नई नई जगह पर जाए और लूटा हुआ माल भी लाए। इनमें से एक रैगनर लॉथब्रुक अपनी ऊंची ख्वाहिश के लिए जाना जाता है। वो पश्चिम की ओर जाके बहुत सारा सोना लाना चाहता है। वाइकिंग्स ने यूरोप के तटों को 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में लूट लिया था। इनके सजाओं में सबसे खतरनाक है ब्लड ईगल, जिसमें एक जिंदा आदमी के पीठ की तरफ से हड्डियों को निकाल के ईगल जैसा बना दिया जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। दोस्तों एक शादी तो इनमें से किसी की भी शायद नहीं देखी मैंने। कोई अपने गुलाम से, कोई अपने सिस्टर इन लॉ से, फिर कोई अपने दोस्त के बीबी के साथ शादी कर लेते हैं। इनके देवता है ओडिन, जिनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पूरी तरह से अंधविश्वास से लैस वाइकिंग्स ओडिन को मवेशियों के साथ इंसानों को भी बलि चढ़ाते दिखते हैं। किसी कैरेक्टर को बखूबी दिखाने के बाद में ऑडियंस उसमें घुस जाते हैं और उस कैरेक्टर की सडन मौत पर आपके रूह भी रोने लगती है। वाइकिंग्स में ऐसे मौत शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। लगार्था, एशलॉक, जूडित, इंग्रिड, थॉरन, टॉर्वी, रानी क्वेंथ्रिथ, लेडीज कैरेक्टर्स भी जेंट्स के साथ कंधे से कंधे मिलाते दिखेंगे। उनके कॉस्ट्यूम्स, फाइटिंग स्पिरिट, लालच, हर एक बात आपको मेस्मराइज करने के लिए काफी है। दोस्तों ये सीरीज आपको ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। रैगनर लॉथब्रुक, लगार्था, रोलो, सिगी, फ्लोकी, एथलस्टैन, एशलॉक, बियॉन आयनसाइट, आइवर द बोनलेस, किंग एकबर्ट जैसे एक से बढ़कर एक कैरेक्टर का रोल प्ले किए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटिश, स्वीडिश एक्टर्स। इनके एक्टिंग के दोस्तों आप फैन हो जाओगे। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला नाम आता है रैगनर लॉथब्रुक का, जिनका रोल प्ले किया है ट्रेविस फिमेल ने। रैगनर, जो कि पहले के कुछ सीजन के मेन हीरो है, उनका हर एक रूप आपको देखने को मिलेगा। वो एम्बिशियस, फाइटर, इमोशनल, रिस्पॉन्सिबल, आवाम के प्यारे राजा, अच्छे पिता, पति भी है। आखिर के दिनों में उनका अकेलापन आपको जरूर रुलाएगा। लेडी कैरेक्टर्स में से अगर कोई सबसे ज्यादा आपके मन को भाएगी तो वो है लगार्था, जिनका रोल प्ले किए हैं कैथरीन विनिक ने, रैगनर की बीवी और बियॉन आयनसाइट की माँ। बहुत बढ़िया फाइटर है, जिनके चर्चे पूरे नॉर्वे में मशहूर है। उनके जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर आपको देखने को मिलेगा। रैगनर की तीन बीवियों में से एक एशलॉक पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा समझदार और आदर्शवादी नजर आती है। रैगनर के साथ में उनकी पहली मुलाकात वाली सीन बहुत ही बढ़िया है। रैगनर का भाई रोलो कभी हीरो तो कभी विलेन दिखते हैं। उनका सफर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ में रोमांचक है। इसके बाद ही अगर मैं किसी कैरेक्टर का नाम लूं तो वो है फ्लोकी। फ्लोकी, तुम्हारे बारे में क्या बताऊं, रैगनर का सच्चा फ्रेंड, पागल फ्लोकी, तुम बहुत हंसाते और रुलाते भी हो दोस्त। एक पादरी से गुलाम, फिर रैगनर के फैमिली का केयर टेकर, फिर दोस्त और फिर जिंदगी का एडवाइजर। एथलस्टैन का किरदार भी हीरो से कम नहीं। मुर्दा पर जिंदा देखने वाली एस्ट्रोलॉजर को भी कैसे भूले, जिनके पास जाकर हर बड़े आदमी अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनका हर एक बात सही साबित होते दिखता है। वेसेक्स के किंग एकबर्ट का किरदार भी एक चालाक राजा और आखिर में रैगनर के दोस्त के रूप में दिखाया गया है, जो अपने राज्य की सेफ्टी की हर तरीके अपनाते हैं। बेटों की चाहत रखने वाला रैगनर के टोटल 5 बेटे हैं, बियॉन, आइबर, उबर, विट्सक और सिगार्ड। रैगनर के बाद अगर कोई कैरेक्टर आपसे हीरो का जगह लेता है वो है रैगनर के बेटा बियॉन आयनसाइट। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की उसकी जर्नी दिखाई गई है। अच्छा बेटा, भाई और वाइकिंग के रूप में बियॉन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर पे, रैगनर का अपाहिज बेटा जिसे घोड़ सवारी तक भी नहीं आता है, वो आइवर द बोनलेस है। कई सीजंस में विलेन दिखाया गया आइवर, को देवता मानता है और वो युद्ध कौशल में सबसे माहिर भी है। राजा के रूप में नेगेटिव रोल वाला ये नामर्द लड़का आपको बहुत पसंद आएगा। अब सीजन 6 का फाइनल सीजन का इंतजार हम सबको बहुत बेसब्री से है। दोस्तों मुझे तो वाइकिंग्स का हर सीजन, हर एपिसोड बहुत बढ़िया लगा है
हाँ, कुछ सीन्स में इंटीमेसी होने की वजह से आप फैमिली के साथ में ना देखें तो बेहतर है, पर देखें जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।